इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट क्लब्स एंड सोसाइटीज इन कॉलेज. सो सभी के कॉलेजेस में कुछ ना कुछ क्लब्स होते हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, डांस सोसाइटी, डांस क्लब, म्यूजिक क्लब, कोडिंग क्लब, इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब, राइट? सो इन चीज़ों को ज्वाइन करने का क्या कोई बेनिफिट है? आर दीज यूजफुल टू आर करियर? आर दे हेल्पफुल इन एनी वे? वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. तो मैंने जब IIT बॉम्बे ज्वाइन किया था 2017 में एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, तब मैं एकदम 12th से निकल के आ रहा था, राइट? एंड 11th 12th इज अ फेज ऑफ लाइफ है, एवरीवन इज सो ऑक्यूपाइड विद देयर स्टडीज, दे जस्ट वांट सम सॉर्ट ऑफ एन एस्केप. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल फाइंड दिस एस्केप इन दीज क्लब्स एंड सोसाइटीज. ओके, तो मुझे याद है कि हमारा ओरिएंटेशन सेशन हुआ था फर्स्ट ईयर में, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स अपने ओरिएंटेशन सेशंस रखते थे. म्यूजिक का ओरिएंटेशन होता था, डांस का, कोडिंग का, इन सब का ओरिएंटेशन होता था. तो उसमें बढ़िया बढ़िया चीज़ें हमें दिखाते थे, एकदम जैसे किसी सेलिब्रिटी को बुला लिया या कोई बढ़िया सा एकदम शानदार मज़ेदार इवेंट कर दिया, जिससे बच्चे एकदम से हुक हो जाते. तो मैं भी ऐसा हो गया था, यार क्या शानदार कॉलेज, तो एक सपने जैसा है, जैसा आप मूवीज़ में देखते हो वैसा है बिल्कुल, राइट? तो इस तरह की चीज़ हुई. और जब मैंने उन क्लब्स को जाके ज्वाइन किया, व्हेन आई स्टार्टेड अटेंडिंग दोस सेशंस विच दोस क्लब्स यू नो प्रोवाइडेड, सो आई हैड ज्वाइन द म्यूजिक क्लब एंड कोडिंग क्लब एंड आई थिंक आर्ट क्लब, या दीज थ्री वर द क्लब्स इन विच आई एनरोल्ड. एंड आई वेंट टू देयर इवेंट्स एंड आई सॉ दैट इन दोज इवेंट्स आई वॉज नॉट एक्चुअली लर्निंग एनीथिंग. वहाँ पे मोस्टली मस्ती हो रही थी, मज़े हो रहे थे, फ्रेंडशिप्स हो रही थी, फन हो रहा था, और कॉम्पिटिशन्स वगैरह हो रहे थे, एक दूसरे से सीनियर्स और जूनियर्स इंटरेक्ट करते, वो सब देखो हो रहा था. वॉट आई रियलाइज वॉज दैट there is no actual learning which is happening in clubs. Clubs are mostly for fun, making friends, या आपको मस्ती करनी हो, या आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको लोगों के साथ रहना पसंद है, इस तरह की चीज़ के लिए क्लब्स बहुत अच्छे हैं. आपको सिमिलर इंटरेस्ट के लोग मिल जाएंगे, आप जैसे म्यूजिक क्लब में जाते हो तो आपको सिमिलर इंटरेस्ट के लोग मिल जाएंगे, आप अपना बैंड वगैरह फॉर्म कर सकते हो, वो सब चीज़ें देखो कर सकते हो, मैंने भी की थी, उनमें मज़ा आता है, वो आप करिए. लेकिन अगर आप इस पर्पस से क्लब्स को अप्रोच कर रहे हैं कि आप अगर उनमें जाएंगे आप बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन बन जाएंगे, कोडर बन जाएंगे, आर्टिस्ट बन जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है. ओके, वहाँ पे एटलीस्ट मैंने कुछ नहीं सीखा खास. लर्निंग जो होती है मोस्टली वो ऑनलाइन ही हो सकती है, मतलब खुद से, कि आप किसी प्रॉपर क्लासेस में जाके अटेंड कर रहे हो. आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना, तो ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, इनसे ही असली लर्निंग होती है एट द एंड ऑफ द डे. दीज इवेंट्स आर गुड फॉर नेटवर्किंग, मीटिंग पीपल एंड ऑल दैट, बट अदरवाइज इट इज़ नॉट मच यूजफुल. अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें क्लब्स के अंदर पोजीशंस के लिए कम्पीट करना चाहिए, कि क्लब्स में हेड है, कोई मैनेजर है, शुड वी ट्राई फॉर दैट? माय आंसर टू दिस इज कि दिस इज वेरी सिमिलर टू जब आप 5th 6th क्लास में होते थे, आपके क्लास में एनुअल फंक्शन नहीं होता था या मॉनिटर नहीं चुनते थे, तब कोई बंदा मॉनिटर बन जाता था तो आप लोग समझते थे कि अरे वाह ये बंदा तो मॉनिटर बन गया, या ये बंदा तो एनुअल फंक्शन में राजा का रोल कर रहा है, समथिंग लाइक दैट. ओके, इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ओनली. अभी मतलब इन द लॉन्ग रन, कि क्या वो 5th 6th क्लास की चीज़ मैटर करती थी? नहीं. सिमिलरली व्हाट यू विल बी डूइंग हियर, यहाँ पे अगर आप हेड बन भी जाते हो, आप अपनी कॉलेज के डांस सोसाइटी के हेड बन गए लेट्स से, 10 साल बाद इट विल नॉट मैटर इन एनी वे. वॉट इट विल मैटर अबाउट इज कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें, जेन्युइनली यू आर इंटरेस्टेड इन डांस, यू आर इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग पीपल डू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, देन यू कैन ऑब्वियसली डू इट, यू आर मोर देन वेलकम. बट इफ़ यू थिंक कि उससे आपके करियर को कोई हेल्प मिलने वाली है, मोस्टली नहीं होगा. इवन अगर आप अपने मेजर या आप अपने करियर फील्ड के अंदर ही कोई चीज़ कर लेते हो, जैसे कुछ लोग कोडिंग क्लब वगैरह या एंटरप्रेन्योरशिप क्लब के अंदर जाके वहाँ पे कुछ हेड बन जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा होगा कि अब गूगल वाले तो हमारे पैर छुएंगे कि भाई प्लीज़ हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो बिकॉज यू आर द कोडिंग क्लब मैनेजर ऑफ XYZ कॉलेज, तो ये दिस इज़ फार फ्रॉम ट्रू. कंपनीज हायर यू मोस्टली फॉर योर टैलेंट, मोस्टली फॉर हाउ मच यू नो, थोड़ा बहुत आपका कॉलेज कैसा है, आपकी ब्रांच कैसी है, इस सब पे, और आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है. आई थिंक ऑन दिस बेसिस मोस्ट हायरिंग्स आर डन, नॉट बेस्ड ऑन कि आपका आप किसी XYZ क्लब के मैनेजर थे या नहीं थे. ये मैंने कई लोगों के मुंह से सुना हुआ है कि अगर तुम अपने किसी कल्चरल सोसाइटी के हेड हो, ये हो वो हो, देन उससे तुम्हारा करियर बन जाता है. सी नोबडी केयर्स अबाउट कि तुम लाइक तुम बताओ ना कि तुम्हें क्या पता भी है कि NIT वारंगल में हॉस्टल सोसाइटी का हेड कौन है. आई डोंट नो, उसके क्लब में हो सकता, उसके कॉलेज में हो सकता है, सब उसे जानते हैं, बट नोबडी केयर्स अबाउट हु इज हु. ओके, आपके स्किल्स और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है. सो वॉट माई पर्सनल रिकमेंडेशन टू एवरी वन बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस विद क्लब्स इज कि अगर आपको किसी चीज़ में जेन्युइनली इंटरेस्ट हो, इफ़ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, डांस, आर्ट वगैरह, तो आप इन क्लब्स में जाके एक बार देख सकते हो, एक्सपीरियंस इट, देखो कैसा लगता है. वहाँ पे तुम अच्छे फ्रेंड्स बना सकते हो, एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो, लाइक माइंडेड पीपल से मिल सकते हो, लेकिन वहाँ पे सीखने का आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा. सेम एक्सपीरियंस मेरा कोडिंग और आर्ट क्लब में भी था. कोडिंग क्लब में मैं गया, एक ऐप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, कोई ऐप डेवलपमेंट वगैरह नहीं सीखने मिला, ऐप डेवलपमेंट खुद ही सीखना पड़ा. वहाँ पे बस कंपटीशन हो गया और थोड़ा बहुत मे बी गाइडेंस वगैरह मिल जाती है. अब व्हाट इज़ अ बेटर यूज ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू मी? अकॉर्डिंग टू मी अ बेटर यूज ऑफ टाइम इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग योर टाइम इन क्लब्स इज टू लर्न दो स्किल्स योर सेल्फ. तुम्हें आर्ट में इंटरेस्ट है, बिल्कुल करो, खुद से सीखो, कॉम्पिटिशन में पार्ट लो.
और ट्राई करो अपना इंस्टा पेज ग्रो करने की, आर्ट के अराउंड अपना एक लिविंग अर्न करने की, वो चीज़ ट्राई करो, ठीक है। या फिर अगर तुम्हें बिजनेस करना है, ई सेल क्यों ज्वाइन कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप सेल या एंटरप्रेन्योरशिप क्लब ज्वाइन करके क्या मिलेगा, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। इन्वेस्ट योर 20-30 आवर्स पर वीक विच विल बी पुटिंग इन टू दिस क्लब्स। अगर तुम इन क्लब्स के मैनेजर बन जाते हो ना, तो उस क्लब्स के अंदर तुम 20-30 आवर्स डालोगे जिसमें तुम्हें कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है, एंड नोबडी रिकॉग्नाइजेस देम एज वेल। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने अपने ये क्लब के हेड हो, उससे तुम्हें कोई करियर रिकॉग्निशन मिल जाएगी, ठीक है, मे बी इट डज काउंट। मतलब ऐसा है कि यार, अगर तुम लेट से कोडिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो एक फैंग कंपनी में, वहाँ पे एक बंदा है यार जो ऑलरेडी अमेजोन में इंटर्नशिप कर चुका है, उसकी 9 GPA है और उसके पास कोडिंग के दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स है। एक बंदा है जिसके पास और कोई अचीवमेंट नहीं, ही इज द हेड ऑफ देयर कोडिंग सोसाइटी। तो डू यू थिंक कौन हायर होगा, तुम खुद सोच के बताओ। इफ़ यू आर हैविंग एनी ऑफ दीज थिंग्स, इट इज़ अ गुड एडिशन, लेकिन वो एडिशन है, वो मेन चीज नहीं है। सो एडिशन जो है उसको एडिशन ही रहने दे, उस पर ज्यादा एम्फेसिस दोगे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। इन 20-30 आवर्स को इफ यू पुट इनटू फ्रीलांसिंग, इफ यू पुट इनटू पार्ट टाइम इंटर्नशिप, इफ यू पुट इनटू डेवलपिंग योर ओन स्किल्स, और इफ यू पुट इनटू स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, आई थिंक दैट वुड बी अ मच 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 बिगर इन्वेस्टमेंट। इससे आपको काफी ज्यादा बेटर रिटर्न्स आएंगे इन बोथ योर प्लेसमेंट्स एंड इन योर लाइफ एंड इन योर अपस्किलिंग एज वेल। जैसे मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ, मैंने अपने कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर में तो इन क्लब्स वगैरह को काफ़ी चेस किया, क्योंकि मुझे पता नहीं था यार, मेरे को ऐसा कोई गाइड करने वाला था नहीं, तो मैंने थोड़ा बहुत गया, मुझे पता चल गया ऐसा फालतू है। फिर सेकंड ईयर से मैंने अपने खुद की चीज़ों पे ध्यान दिया, मैंने गिटार वगैरह मुझे खुद सीखा, मैंने खुद से चीज़ें सीखी थोड़ी बहुत मैंने। इसके अलावा मैंने अपना जो टाइम है वो इन क्लब्स में मैनेजरियल पोजीशंस लेने की जगह इन्वेस्टेड इन माई ओन बिजनेस। आई स्टार्टेड द एकेडबूस्ट यूट्यूब चैनल इन सेकंड ईयर, उसको ग्रो किया मैंने, ब्लॉग मैंने अपना ग्रो किया, फिर और चैनल्स खोले, फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, एकेडबूस्ट पे कोर्सेज वगैरह बनाए। ये सब चीज़ें की थी मैंने अपने कॉलेज टाइम में अपार्ट फ्रॉम माई डिग्री, और इस सबसे मुझे काफ़ी अच्छा एक बेनिफिट हुआ, अच्छा खासा सब चल रहा है, मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, इतने लोग मुझसे कनेक्टेड है, तो आई थिंक वो एक बेटर इन्वेस्टमेंट था। अब मैं ये सब नहीं करके लेट से मैं अपनी कोडिंग सोसाइटी के अंदर वो लैडर क्लाइंब करने की कोशिश करता कि कोडिंग सोसाइटी पहले कन्वीनर बना, फिर हेड बना, फिर इंस्टीट्यूट टेक्निकल हेड बना, ऐसी चीज़ें होती है IIT बॉम्बे में, और लोग काफ़ी भागते भी हैं इनके पीछे। What would have been the use? तुम्हें क्या मतलब है IIT Bombay में hostel head कौन है या technical head कौन है? Do you even care about that? Nobody cares about that, right? लेकिन अगर आपके पास एक real skill है, उससे आप पैसे कमा सकते हो। अगर आपके पास एक business है, it will free you from sitting in placements, or it will give you a financial stability. इन चीज़ों में I think invest करना better है. But nonetheless, if you have genuine interest, feel free to do anything. It's your life. I can only advise you. What I personally prefer is कि अपना time तुम ऐसी चीज़ों में डालो तुम्हें खुद हेल्प करे, जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह करना। एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू ऑनलाइन कोर्सेज इज बाय एनरोलिंग इन Academy स्किल कोर्सेज। तो मेरे खुद के प्लेटफॉर्म पे भी आपको कोडिंग, डिजाइन, बिजनेस के कई सारे स्किल्स मिलते हैं सीखने को, C++, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, आपका ये फोटोशॉप वगैरह हो गया, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ग्राफिक डिजाइन वगैरह। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना, Academy टैप और वेबसाइट पे यू विल गेट दोज कोर्सेज। लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे तुम्हें वीडियोस अच्छी लगी हो। आई मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू कॉलेज स्टूडेंट्स, स्किल्स एंड कोडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, सारी चीज़ें जो भी क्लास 12th के बाद जितना भी है सारा कवर यहाँ पे होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट मी इन द कॉमेंट्स व्हाट आर योर थॉट्स ऑन क्लब्स, विच क्लब्स हैव यू ज्वाइन, क्या तुम्हें कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस लगा, क्योंकि हो सकता है किसी बंदे को बेनिफिट हुआ हो, बिकॉज आई नो सम पीपल एज वेल जो क्लब्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा अपने को बेनिफिट भी किए थे। सो देर आर ऑल काइंड्स ऑफ केसेस, देर आर एक्सेप्शंस इन एवरीथिंग, बट एज अ जनरल गाइडलाइन आई थिंक क्लब्स आर मोस्टली फॉर फन, and you should better invest your time in some other activity which helps you. Okay, thank you.